नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में कॉमर्स ज्ञान। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक खुशखबरी। मैं आपको इनकम टैक्स की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लासेस है जिसमें आपको मैं बताऊँगा, आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं उसका है व्हाई वी लर्न फ्रॉम यू। तो आपका सबसे पहला डाउट आएगा कि हम आपसे क्यों पढ़ाई करें, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहला जो मेरा क्वालिफिकेशन है, अगर आप देखें तो मैं एमकॉम मेरा किया हुआ है। इसके अलावा मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ और अभी रिजल्ट अवेटेड है। ये मेरी क्वालिफिकेशंस है और मैं काफ़ी अच्छी तरीके से आपको इनकम टैक्स पढ़ा पाऊँगा, ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाई यू प्रोवाइडिंग द लेक्चर्स, आप फ्री में लेक्चर से समाज सेवा किस लिए कर रहे हो। तो उसका सीधा आंसर है कि चूंकि अभी रिजल्ट मेरा काफ़ी लेट है और मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था, तो मैं इस टाइम को यूटिलाइज करने जा रहा था और वो अच्छे पर्पज़ के लिए मैं करना चाहता था, इसीलिए मैं ये पूरा इनकम टैक्स की क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद में इसमें हाउ मेनी लेक्चर्स, कितने लेक्चर्स होंगे, इसमें 25 to 30 लेक्चर्स होंगे, ये मैंने अराउंड अप्रॉक्सीमेशन निकाला है। इसमें 25 to 30 रहेगा, आप इसमें इसको अप्रॉक्स मान के चलिए, थोड़ा बहुत लेक्चर्स इसमें भी ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि मैं इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैंने नॉर्मल घरों पे ही पढ़ाया हुआ है छोटे छोटे बच्चों को बीकॉम में, ऐसे कभी ऑनलाइन कभी पढ़ाए नहीं है, तो इस हिसाब से मैं 25 से 30 लेक्चर बता सकता हूँ। दूसरा, इसमें जो मेरे क्वेश्चन इसमें मुझे कवर करना है वो है कि मीडियम क्या रहेगा इसका टीचिंग का। तो मीडियम मेरा जो मैं नोट्स रहेंगे वो मेरे इंग्लिश में रहेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स आप हिंदी में पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ जिस तरीके से मेरी लैंग्वेज रहेगी वो मैं हिंदी में हिंदी ही यूज करूँगा। तो इस तरीके से आप ये जो बोथ लैंग्वेज है वो आप जो भी मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। अब आपका डाउट आता है कि सर 25 से 30 लेक्चर ये इतने स्मॉल लेक्चर्स कैसे हैं, तो कैसे आप इतने में हमें पूरा इनकम टैक्स, हमने सुना है इनकम टैक्स बहुत हाई लेवल है, तो ऐसे में क्या आप हमें ये पढ़ा पाओगे और इतना स्मॉल लेक्चर। तो देखिए, मैं पहला बता दूँ कि ये स्मॉल है क्योंकि एक तो यहाँ पे क्लास का वो एक एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि क्लास में क्या होता है हम कई बार लेट आते हैं, कई बार जल्दी जाते हैं, इसके अलावा हम वहाँ पे कई बार क्वेश्चन वगैरह भी करते हैं, कई बार इररिलेवेंट डाउट भी पूछे जाते हैं। यहाँ मेरे से कोई डाउट नहीं पूछेगा, मैं अपना पढ़ाऊँगा और ख़त्म। इसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं, जैसे हम क्लासेज में क्वेश्चन सब बच्चों के नहीं सॉल्व करेंगे, तो मैंने डिसाइड किए हैं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो ऐसे में ये स्मॉल लेक्चर होना काफ़ी है। इसके अलावा हाँ, थोड़ा सा ये फास्ट रहेगा, बाकी जो आपको नॉर्मल क्लासेस देखने को मिलती है उससे थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम लिमिट है कि मुझे 25 से 30 दिनों के अंदर ही ख़त्म करना है इसे, तो और इसीलिए ये मैंने रखा है। हाँ, अगर आपको फुल फ्लेज क्लासेस लेनी है तो आप प्राइवेट कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके गाँव शहर में कोचिंग सेंटर्स उपलब्ध नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मेरी क्लासेस को ले सकते हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मेरी क्लासेस लेने के बाद आप आराम से अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं इनकम टैक्स में और काफ़ी अच्छे से इन्हें कर सकते हैं, इन्हें हर क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। इसके अलावा जो मेरा एक और बात, इस क्वेश्चन से पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेज है इनकम टैक्स की, ये वैसे तो कोई भी ले सकता है और एजुकेशनल पर्पज, लेकिन मैंने जो क्लासेज रिकॉर्ड की है वो मैंने बीकॉम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर की है। यानी कोई और स्टूडेंट अगर इन्हें लेना चाहता है वो ले सकता है, लेकिन उनके लिए ये पर्याप्त नहीं होगा। जैसे IPCC या CA फाइनल के स्टूडेंट अगर इन्हें लेना चाहता है वो ले सकता है जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज, थोड़ा बहुत वो देख सकता है, लेकिन उनके लिए ये पर्याप्त नहीं है। तो इसीलिए वो अपना उनको मेरी सलाह माने तो वो इन्हें ना लें। बीकॉम के लिए ये सफिशिएंट है और बीकॉम के लिए ही ये मैंने डिजाइन किया है पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस। दूसरे, अब जो ये इस क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ यू टीच अस एंड डाउट्स जो हम लेंगे
तो उनका आपका कैसे रहेगा? तो टीचिंग का आप मेरे मेथड देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे लिख पा रहा हूँ, तो इसी तरीके से मैंने पीपीटीज बनाई हैं जो कि पीपीटीज मैंने बनाई है, और उन पीपीटीज पे हम मैं आपको इस पेन से कहीं पर भी अगर मुझे नोटिंग करानी होगी तो करवा दूंगा, नहीं तो आप उन पीपीटीज में स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और जब भी आपको टाइम मिले आप उन्हें कॉपी में लिख लीजिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स क्लास के दौरान करूँगा, आप अपनी कोई भी बुक रेफर करके उन्हें ले सकते हैं। एंड ये क्या हो गया, तो आप इनमें से कोई भी क्लासेस ले सकते हैं। हाँ, अब आपका जो आता है कि आप मुझे डाउट कैसे पूछेंगे, तो डाउट पूछने का ये रहेगा कि आप जो अभी मैं और ज़्यादा आगे कर रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है, बट मेरा जहाँ तक है कि आप उन डाउट को एक्यूरेट करते रहिए, और अगर हम अच्छे व्यूज़ और अच्छे डाउट्स आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं एक दिन लाइव सेशन ले लूँगा एंड उन लाइव सेशन में उन डाउट्स को क्लियर करवाता रहूँगा। इसके अलावा भी अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी क्वेश्चन आर यू कवरिंग, तो अभी मेरा कोई प्री डिसाइडेड नहीं है, बट मैं इतने सफिशेंट ले लूँगा कि आप उन्हें कवर कर पाएंगे, आप हर एक बुक के हर एक क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। सो गुड डे, थैंक यू वेरी मच। तो आप अब क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, तो आपके 20-25 मिनट पर डे, और हाँ ये क्लासेज अल्टरनेट डे पे आएगी, नहीं ये जो पहली क्लास जो मैं रिलीज करूँगा उसके नेक्स्ट डे कोई क्लास नहीं होगा, उसके इस तरीके से अल्टरनेट डे होगी, ठीक है? तो ताकि आपको और भी टाइम मिल जाए अच्छे से उसको समझने का और सारे क्वेश्चन करने का। थैंक यू वेरी मच, गुड डे वंस अगेन एंड बाय बाय।